हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल के बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी। ये पकोड़े खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में। अगर ये गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाएं तो बात ही क्या है। तो अगर आपको मेरी मूंग दाल पकौड़ों की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं मूंग दाल के इन चटपटे और क्रिस्पी पकौड़ों को बनाना। इन पकौड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 कप धुली मूंग की पीली दाल। तो यहाँ पर मैंने इसे पानी में भिगो कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे 4 से 5 घंटे का समय हो चुका है इस दाल को भिगोए हुए। तो अब मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से चेक कर लूँगी तो इजीली इस तरीके से दबाने से ये टूट रही है, इसका मतलब है दाल अच्छे से भीग चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियाँ और 4 तीखी हरी मिर्च ली है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी भीगी मूंग की सभी दाल। तो दाल का पानी मैंने अलग निकाल लिया है, साथ ही इसमें ऐड करूंगी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और अदरक। तो हरी मिर्च और अदरक को मैं यहाँ पर थोड़ा रफली चॉप्ड करके डाल रही हूँ जिससे ग्राइंड करने में आसानी रहे। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूंगी और ढक्कन लगा कर इसे दरदरा ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर इस दाल को मैंने इस तरीके से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करते समय मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो अब मैं यहाँ पर इस दाल को निकाल लूंगी एक मिक्सिंग बोल में। तो यहाँ पर मैंने इस पेस्ट को डाल दिया है बोल में। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। तो यहाँ पर मैंने एक विस्कर लिया है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर इसे 4 से 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फेंट लूंगी। ऐसा करने से हमारे मूंग दाल के ये पकौड़े अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। तो आप यहाँ पर इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, फेंटने के कारण ये इस तरीके से लिक्विडी सा हो गया है और ऐसा ही बैटर हमें यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी हींग। ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इससे पकोड़ों में टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसमें मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हो, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। तो अच्छे से मैं यहाँ पर इन सभी चीजों को मिक्स कर लूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से एक बार फिर से फेंट लूंगी। इसके अलावा इन पकोड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है, इसको इस तरीके से स्लाइस में थोड़ा पतला और लंबा कट कर लिया है। 1 आलू को मैंने यहाँ पर ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसे पानी में भिगो कर रखा है ताकि ये काला ना पड़े। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। इस बैटर में ऐड कर रही हूँ मैं सबसे पहले चावल का आटा, इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। आप इसकी जगह सूजी का भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें स्लाइस में पत्ती और लंबी कटी हुई प्याज, आप चाहो तो यहाँ पर इसे थोड़ा बारीक भी कट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जो आलू के लच्छे थे पानी में भिगोए हुए उन्हें इस तरीके से निचोड़ कर डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अब डाल दिया है इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से यहाँ पर इन सभी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इस बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इन पकोड़ों के लिए ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर इस तरीके से इस बैटर को हाथ में लूंगी। तो यहाँ पर हमें इसे कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हाथ में लेकर इसे हमें ऑयल में डालना है इस तरीके से। तो एक बैच में आपको जितने पकोड़े फ्राई करना है उतना ही इन्हें यहाँ पर डालें। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है क्योंकि हाई पर रखने पर ये पकोड़े बाहर से कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पकोड़े डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें इसी तरीके से फ्राई होने दूंगी। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर इन्हें दूसरी साइड पलट लूंगी।
दोनों साइड से हमें यहाँ पर इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर इन पकोड़ों को मैंने दूसरी साइड पलट लिया है, तो दूसरी साइड भी इन्हें अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो अंदर से हमारे ये पकोड़े बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इन्हें फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का समय लगा है। तो अब मैं यहाँ पर इन पकोड़ों को अच्छे से टैप करते हुए इस तरीके से निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे छन जाए। तो यहाँ पर आप इन पकोड़ों की आवाज़ सुन सकते हो, बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये मूंग दाल पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर दूसरी बैच के पकोड़े भी फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। तो गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल भी लो या फिर हाई नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी पकोड़े फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। एक साइड से इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे और तभी इन्हें पलटेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें दूसरी साइड भी पलट लिया है और दोनों साइड से हमारे ये मूंग दाल पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर इन पकोड़ों का आया है। तो अब मैं यहाँ पर इन पकोड़ों को भी निकाल लूंगी प्लेट में। तो यहाँ पर ये दूसरी बैच के पकोड़ों को भी मैं डाल दूंगी प्लेट में। तो फ्रेंड्स लग रहे हैं ना बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी हमारी ये मूंग दाल के चटपटे पकोड़े। तो यहाँ पर मैं आपको एक पकोड़ा थोड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। बाहर से ये काफी क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो यहाँ पर आप इसे हरी चटनी, टमाटो केचप, लाल चटनी या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस मूंग दाल के क्रिस्पी और चटपटे पकोड़ों की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।